ओके हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब। मैं हूँ विशी और आप देख रहे हैं बॉन्ड टू इन्वेस्ट यूट्यूब चैनल। यस बैंक में 16% की उछाल आ चुकी है। क्या है इसके पीछे के रीजन, चलिए जानते हैं इस वीडियो में। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसे वीडियो हर रोज हर दिन लेते आते हैं। और जो बाजू में घंटे वाला बटन है उसे जरूर दबा दीजिए, जिसको आपको हमारी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। पहले जान लेते कि यस बैंक में आज का कारोबार क्या हुआ, क्या ओपन रहा, क्या क्लोज रहा और कितनी डिलीवरेबल क्वांटिटी रही। तो आप देखिए, जो यस बैंक है वो 47.40 पे ये क्लोज हुआ है, मतलब 15.47% की अपसाइड देखने को मिली है। इसमें प्रीवियस क्लोज था 41.05, ओपन कितने पे हुआ 41.90 पे, हाई लगाया 48.20 और लो लगाया 40.70 पैसे। अब देखते हैं इसमें डिलीवरेबल क्वांटिटी कितनी रही। तो डिलीवरेबल क्वांटिटी है 9.65%, जो भी इतनी ज़्यादा नहीं है। क्योंकि क्या है कि अगर कोई न्यूज़ आती है किसी स्टॉक में इतना ज़्यादा उछल आता है तो मोस्ट प्रोबेबली रहता है कि उसमें डिलीवरेबल क्वांटिटी ज़्यादा होनी चाहिए। लेकिन ये नॉर्मल क्वांटिटी मेरे को दिख रही, उतनी ज़्यादा भी नहीं दिख रही। तो चलिए जानते हैं कि अभी इसमें न्यूज़ क्या है। तो अभी देखते हैं क्या न्यूज है, क्या वगैरह है। तो मैंने बहुत ढूंढा दूसरी वेबसाइट से, मनी कंट्रोल से भी, तो मेरे को अभी कोई ऐसी न्यूज़ नहीं मिली है कि जो प्रॉपर मैं उसको बोल सकूँ कि उस पर हमें ट्रेड लेना चाहिए या स्विंग ट्रेडिंग करना चाहिए। नॉर्मल बात है कि अगर बहुत बड़ी न्यूज़ होती है तो इतनी परसेंट की उछाल आती है, लेकिन मेरे को ऐसी कोई न्यूज़ नहीं मिली जिस पे 15 या 16% की उछाल देखने को मिले। तो भी देखने को मिली है तो देख ले, पहले न्यूज़ मिले, नो डाउट न्यूज़ मिले, वो सही है गलत वो पता नहीं। क्या है कि मार्केट में उछाल लाने के लिए भी ऐसी न्यूज़ आती है। मार्केट में अभी एक बात चल रही है कि ये हो सकता है, होगा या नहीं होगा वो तो बात की बात है। तो इसी कारण मेरे को लगता है कि इस न्यूज़ के कारण उछाल आ सकता है। तो पहले ये न्यूज़ जो है वो कल की है, ये न्यूज़ आज की है नहीं। तो वो भी है कि कल की न्यूज़ है, आज कोई ऐसी न्यूज़ अभी तक हाल फिलहाल कोई नहीं देखने को मिली जिससे इतना बड़ा उछाल आ सके। तो ये कल की न्यूज़ है। तो न्यूज़ ऐसी है कि जो भारतीय एयरटेल के सुनील मित्तल है और हीरो ग्रुप के सुनील मिंजाल है, वो दोनों का क्या है कि आय, मतलब उसकी नज़र है यस बैंक में स्टेक खरीदने की। तो ये एक क्या है कि न्यूज़ थी, मेरे को लगा आप सबको बतानी चाहिए। क्योंकि क्या है, कोई भी न्यूज़ हो, आपको मार्केट में उछाल आ रहा है या गिरावट आ रही है तो उसके पीछे के रीज़न पता होने चाहिए। क्या उछाल सही में आ रहा है, क्या उछाल गलत आ रहा है, तो आपको देखना चाहिए। बाद में कोई आप ले या बेच सकते हो। तो ये न्यूज़ थी, मेरे को लगा कि आपको इसमें बताना चाहिए। मेरे हिसाब से इस न्यूज़ पे आप क्या है कि प्ले नहीं कर सकते, क्योंकि देखो अगर प्रॉपर न्यूज़ है ऑफिशियल अनाउंस हो जाते तो बाद में आप ले सकते हो। तो हाल फिलहाल मैं इस न्यूज़ पे इतना प्ले नहीं करूँगा, देखते हैं आगे क्या होता है। बाद में मैं इस पेज को ऑल स्क्रॉल नीचे करता हूँ तो एक दूसरी न्यूज़ जो ईटी नाउ ने बताई है, जो सुनील मित्तल एंड सुनील मुंजाल है वो अपना इंटरेस्ट शो कर रहे हैं क्या है कि यस बैंक में स्टेक खरीदने के लिए, तो वो अपटू 5% स्टेक खरीद सकते हैं, ऐसी न्यूज़ है। तो मैं इस न्यूज़ को प्ले नहीं करूँगी, जब ऑफिशियली आ जाएंगे तो मैं अपने पोर्टफोलियो में भी इसे ऐड करूँगा। हाँ, लेकिन रिजल्ट वगैरह आ जाने के बाद, हाँ अगर रिजल्ट सही आ जाए तब बात है। लेकिन मैं ऐसे कोई अभी ये छोटी मोटी न्यूज़ पे मैं बिलीव नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि हमने आगे भी देख लिया है कि बड़ा बड़ा उछल आता है और दूसरे तीसरे दिन ये फिर से नीचे आ जाता है। तो देखते हैं क्या होता है आगे। अगर आप प्ले कर सकते हो तो प्ले कीजिए। जो रिटेल इन्वेस्टर है मैं उसको ना ही बोलूँगा कि इसमें आप मत घुसिए। हाँ, जो बड़े इन्वेस्टर है जो थोड़ा बहुत रिस्क लेना चाहते हो तो वो अपने हिसाब से प्ले कर सकते हैं। तो ये था मेरा व्यू। इन सिंपल मैं कहना ये चाहता हूँ, या किसी भी स्टॉक में या किसी में भी अगर आप बहुत उछाल आए और बहुत गिरावट आती है तो आपको पता होना चाहिए कि उसमें हुआ क्या है। आप बिना सोचे बिना कुछ देखे उसमें ले रहे हो या सेल कर रहे हो तो उसका कुछ मतलब नहीं है। अगर कुछ न्यूज आई है, अगर पॉजिटिव है तो आप उसे प्ले कीजिए। मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि न्यूज़ को नहीं प्ले करें। अगर आप पॉजिटिव है, आप कंफर्म है तब कीजिए। ऐसा नहीं है कि हवाई हवाई में बातें हो रही और आप उसको ले रहे हो या बेच रहे हो, जो भी है। तो यही मेरा व्यू था जो आज उछाल आया उस पर। तो अगर ये वीडियो आपको कहीं से भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ यारो लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और जो बाजू में घंटे वाला बटन है उसे जरूर दबा दीजिए। आप लाइक कमेंट करोगे तभी तो हमें मोटिवेशन मिलेगा और ऐसे वीडियो और आगे लेके आएंगे। सो प्लीज़ यारो लाइक कमेंट एंड सपोर्ट कर देना। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा गुड बाय, जय हिंद।